बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक रही हैं। फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रही टीना से जुड़ा एक किस्सा हम आज आपको बताने वाले हैं। खबरों की माने तो संजय दत्त एक समय टीना मुनीम के प्यार में पूरी तरह पागल थे। यह बात सन 1980-81 के दशक की बताई जाती है, जब ऋषि कपूर और टीना मुनीम की फिल्म कर्ज रिलीज हुई थी। इसी फिल्म के ठीक एक साल बाद यानी 1981 में संजय दत्त और टीना की फिल्म रॉकी भी रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों में टीना थी। ऐसे में संजय को यह शक हो गया कि टीना और ऋषि के बीच अफेयर चल रहा है। बताते हैं कि इसके बाद एक दिन नशे में धुत संजय दत्त ने एक्टर गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर को पीटने की प्लानिंग की और उन्हें पीटने के लिए निकल पड़े। अभी संजय कुछ आगे ही बढ़े थे कि उन्हें रास्ते में नीतू मिल गई। संजय को इस हाल में देख नीतू ने उनसे पूरा माजरा समझा। खबरों की माने तो नीतू ने संजय को समझाया कि उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है और ऋषि और टीना के बीच ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि नीतू की बात मानते हुए संजय ने रणबीर के पापा ऋषि कपूर को पीटने की अपनी जिद छोड़ दी थी। नवभारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋतु त्रिपाठी, नवभारत मीडिया।